एवरीवन, मैं प्रियांशु सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बुक यू सीट नाउ पे। तो आज हम बात करने वाले हैं डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज की एक और ब्रांच के बारे में, जो कि आपकी नवी मुंबई में सिचुएटेड है, नवी मुंबई महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। इसके बारे में हम डिटेल्ड वीडियो समझेंगे इस वीडियो में, क्या कितनी क्या फीस जा रही है यूजी और पीजी में, क्या पीजी का फीस स्ट्रक्चर है, क्या यूजी का फीस स्ट्रक्चर है, कौन कौन सी ब्रांचेस ये आपको प्रोवाइड कर रहा है अगर पीजी की बात करते हैं, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं और किस ब्रांच में अवेलेबल हैं पीजी की चीज़ें ये समझेंगे, और यूजी में क्या फीस आपकी जा रही है और आपकी कितना क्या डिपॉजिट आपको देना पड़ता है, क्या हॉस्टल जा रहा है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन के लिए देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि लास्ट जो 2 वीडियोस थी मैंने जो अभी अपलोड करी हुई हैं वो डीवाई पाटिल के ऊपर दोनों ब्रांचेस के बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई रखी है रिगार्डिंग पीजी और यूजी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिएगा, वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। जो आपका कोल्हापुर वाला डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज है और एक आपका पुणे वाला, तो वो सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आप ये वीडियो पूरी देख लीजिएगा, उसके बाद वो वीडियोस भी आप स्विच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, आपको सारी नॉलेज गेन हो जाएगी कि अगर आप इंटरेस्टेड हो इस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तो क्या क्या चीज़ें हैं और कितना क्या बजट आपको रखना पड़ेगा तो आप इस कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूँ कि जो भी मैंने फ़ीस स्ट्रक्चर उसमें बताया था वो आपका 2021 का फ़ीस स्ट्रक्चर था, अभी कोई अपडेटेड फ़ीस स्ट्रक्चर नहीं आया है। जैसे कोई अपडेटेड फीस स्ट्रक्चर आएगा उसके लिए एक अलग से वीडियो मैं आपके लिए ले आऊँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो कोई भी कैंडिडेट हमारे इस चैनल पर नया आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके पास लाते रहते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, जो डॉक्टर डी वाई पाटिल मेडिकल कॉलेज है ये जो आपकी लास्ट ब्रांच है नवी मुंबई में, ये ब्रांच सिचुएटेड है महाराष्ट्र के नवी मुंबई में, ये भी आपकी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। इसकी एफिलिएशन की बात करते हैं तो ये भी एफिलिएटेड है डीम्ड यूनिवर्सिटी से। इसकी भी एस्टेब्लिशमेंट 1989 में ये एस्टेब्लिश हुआ था आपकी नवी मुंबई में, ठीक है। इसमें भी आपकी MBBS MD MS सीट्स अवेलेबल हैं, कोर्सेज ये प्रोवाइड कराता है। और अगर हम ऑल इंडिया रैंकिंग की बात करते हैं तो 77 ऑल इंडिया रैंकिंग पे ये कॉलेज रहता है आपका। तो ये तो बात हो गई इसके ओवरऑल के बारे में कि कब क्या इस्टेब्लिश हुआ था, क्या कितनी क्या चीज़ें आपके सामने हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यूजी के बारे में। सबसे पहले हम यूजी की चीज़ें समझेंगे इसमें। तो ये कॉलेज जो है वो आपके टोटल 250 सीट्स पे एडमिशन लेता है आपकी यूजी के, MBBS में मतलब। यहाँ पर जो फीस जाती है आपकी, अगर आप MBBS में एडमिशन लेना चाहते हैं तो, अगर फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर जनरल कोटा की या मैनेजमेंट कोटा या जो कह लीजिए आप, उसकी जो फीस जाती है वो 26 लाख पर ईयर जाती है यहाँ पर फीस। और अगर आप NRI कोटा के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको $65,000 पर ईयर आपको पे करना पड़ेगा, प्लस 50% ऑफ ट्यूशन फीस एज एलिजिबिलिटी इनरोलमेंट वन टाइम पेमेंट, ठीक है। मतलब 15% जो भी आपकी ये ट्यूशन फीस है USD में, जो ट्यूशन फीस है उसका 15% आपको वन टाइम पेमेंट और पे करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप NRI कोटा से एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पर आपको 3% की पर ईयर में फीस में इंक्रीजमेंट दिखाई देगी, पर ईयर मतलब 5 साल में आपको पर ईयर फीस इंक्रीजमेंट 3% और देना पड़ेगा। बाकी अगर हम हॉस्टल फीस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर 2,10,000 का हॉस्टल है, हॉस्टल प्लस मेस इंक्लूड है इसमें। अगर इसकी डिपॉजिटेशन की बात करते हैं, क्वेश्चन मनी 50,000 का क्वेश्चन मनी ये आपसे एक्स्ट्रा डिपॉजिट कराता है अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं तो। यूजी कोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ तो क्या। बाकी अब हम नीट पीजी एस्पिरेंट्स वालों के लिए बात कर लेते हैं कि नीट पीजी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो कौन कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल हैं, कितनी कितनी ब्रांचेस अवेलेबल हैं, और इसमें NRI की सीट्स कितनी हैं और जनरल सीट्स कितनी हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी ब्रांच आती है वो हमारी एनेस्थीसिया आती है। इसमें जो टोटल इनटेक है वो आपका 7 का इनटेक है। फिर हमारी जो ब्रांच आती है वो MD DVL आती है। इसमें NRI की सीट सिर्फ अवेलेबल हैं, जो कि 4 सीट्स अवेलेबल हैं। फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको बताऊंगा, ठीक है, आप परेशान मत होइए। पहले आप ये समझ लीजिए कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। माइक्रोबायोलॉजी 4 सीट्स अवेलेबल हैं जनरल में, अगर एडमिशन लेते हैं ऑल इंडिया कोटा के थ्रू।
MD TB एंड चेस्ट 3 सीट्स, MD पैथोलॉजी 6 सीट्स, MD पीडियाट्रिक्स 5 सीट्स और NRI में 1 सीट और अवेलेबल है। फार्माकोलॉजी 5 सीट्स, MD साइकेट्री 3 सीट्स, रेडियोलॉजी 3 सीट्स इन ऑल इंडिया एंड 3 सीट्स इन NRI कोटा। फिर फिजियोलॉजी आता है जिसमें 2 सीट्स अवेलेबल हैं। MD PSM आता है जिसमें 2 सीट्स अवेलेबल है। फॉरेंसिक मेडिसिन आती है जिसमें 1 सीट अवेलेबल है। MD एनाटॉमी 2 सीट्स, एमरजेंसी मेडिसिन 2 सीट्स, बायोकेमिस्ट्री 4 सीट्स, MS ऑफ गायनी की 1 सीट अवेलेबल है ओनली और NRI कोटा में 2 सीट्स अवेलेबल है। MS ENT 3 सीट्स अवेलेबल, जनरल सर्जरी 5 सीट्स एंड 1 सीट इन NRI कोटा। MS ऑप्थल 2 सीट्स इन ऑल इंडिया एंड 1 सीट्स इन NRI एंड MS ऑर्थोपेडिक्स 6 सीट्स एंड अगर हम NRI की बात करते हैं तो 2 सीट्स NRI कोटा में भी इसमें प्रोवाइडेड है। तो ये रही ब्रांच के बारे में कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं और NRI में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। बाकी अब हम इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो फीस स्ट्रक्चर जा रहा है वो आपका एनेस्थीसिया का जनरल में आपका 33 लैक्स आपका पर ईयर जा रहा है। MD DVL का 65 लैक आपका जा रहा है पर ईयर और अगर NRI की सीट लेते हैं तो यहाँ पर आपका $1,15,000 पर ईयर आपको पे करना है। MD जनरल मेडिसिन 40 लाख पर ईयर, NRI की सीट लेते हैं $88,000 पर ईयर, MD माइक्रोबायोलॉजी 7,50,000 पर ईयर, NRI की सीट अवेलेबल नहीं है। TB चेस्ट 40 लाख पर ईयर, NRI सीट अवेलेबल नहीं है। पैथोलॉजी आपका 17,16,000 रुपये जा रहा है पर ईयर जनरल में। पीडियाट्रिक्स 38 लैक्स जा रहा है पर ईयर और अगर NRI की कोटा की सीट लेते हैं तो $88,000 जा रहा है। फार्माकोलॉजी लेते हैं तो 7,50,000। MD साइकेट्रिक लेते हैं 27,50,000 आपका जा रहा है पर ईयर। रेडियोलॉजी का 65 लैक पर ईयर जा रहा है इसमें और अगर NRI की सीट लेते हैं तो $1,15,000 पर ईयर पे करना है आपको। बाकी नॉन क्लिनिकल की जितनी ब्रांचेस हैं सबकी फ़ीस आपकी सेम ही रहेगी, 7,50,000 कह रहा हूँ, ठीक है? तो मैं वो बता नहीं रहा हूँ इसमें। बाकी MD एमरजेंसी मेडिसिन लेते हैं तो 30 लैक्स पर ईयर जा रहा है। उपगायनी लेते हैं 50 लैक पर ईयर, NRI की सीट $1,10,000 पर ईयर डॉलर आपको पे करना है। ENT की 29 लैक, जनरल सर्जरी 40 लैक पर ईयर और अगर NRI सीट लेते हैं तो 88,000 पर ईयर डॉलर पे करना है। ऑप्थल का जो जा रहा है वो आपका 38,50,000 पर ईयर जा रहा है और NRI की सीट लेते हैं तो $88,000 पर ईयर आपको पे करना है। ऑर्थोपेडिक्स की बात करें तो 60 लैक पर ईयर आपकी जनरल की सीट पे एडमिशन होता है पर ईयर और इसी में अगर आप NRI सीट लेते हैं तो 99,000 पर ईयर आपको पे करना है डॉलर। सेम अगर हॉस्टल की बात करते हैं तो 2,10,000 का पर एनम का हॉस्टल आपको पे करना पड़ता है, ठीक है? और अगर हॉस्टल की डिपोजिशन के बारे में बात करते हैं क्वेश्चन मनी, इसमें भी आपको 50,000 का क्वेश्चन मनी पे करना पड़ता है। और इसमें एक चीज़ और बता दूं, अगर आप PG इसमें कर रहे हैं तो आपको 1 ईयर का बॉन्ड देखने को मिलेगा इसमें एट द एंड ऑफ MD MS या PG सेक्स, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं कि कितनी फ़ीस जा रही हैं, चाहे वो UG की बात हो चाहे PG की बात हो। डिटेल में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कौन कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल हैं PG UG सबके। अगर कोई भी डाउट हो या किसी भी तरीके का एडमिशन अगर लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी एडमिशन प्रोवाइड करवाने में पूरी सहायता करेंगे। अंत में आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। अगर कोई भी डाउट हो या किसी भी कॉलेज में के बारे में आपको रिव्यू चाहिए हो तो मैं आपको रिव्यू प्रोवाइड करूँगा। बाकी एडमिशन लेना चाहते हैं तो गिवन नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट करिए, कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, जैसा आपको सुटेबल लगे आप करिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है? तो अंत में ये कहना चाहता हूँ, धन्यवाद।